हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारे चैनल पर हर रोज़ जो है ITI और डिप्लोमा से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट तुरंत लेकर आते हैं, उसी क्रम में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जो ITI पास छात्रों के लिए भर्ती निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों एक बहुत ही शानदार भर्ती। और दोस्तों याद रखिए, यह भर्ती लगभग ये मान लीजिए कि पहली बार ही है कि इतनी बड़ी कंपनी में ITI पास छात्रों के लिए भर्ती निकल कर आ रही है, वो भी कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से, जहाँ पर आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट है वो है 31/10/2020। बाकी सभी डिटेल्स हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर कंपनी नेम की, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कंपनी का नेम है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से दोस्तों जो है आपको अपना जॉब लोकेशन भी पता लग रहा है कि आपको जो जॉब करना होगा वो करना होगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप सिर्फ और सिर्फ ITI पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे ITI आपने NCVT से किया हो या आपने ITI SCVT से किया हो, दोनों स्टूडेंट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। याद रखिए, फिर से देख लीजिए, ITI NCVT SCVT दोनों के लिए ये कैंपस प्लेसमेंट रखा गया है। बात करते हैं दोस्तों ट्रेड्स की। तो अगर आपने फीटर से ITI किया है, इलेक्ट्रिशियन से ITI किया है, मशीनिस्ट से ITI किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ITI किया है, कोपा से ITI किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं, आप यहां पर जॉब कर सकते हैं। फिर से ट्रेड को देख लीजिए, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, ITI, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट जो है दोस्तों यहाँ पर 250 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है इस कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 250 टोटल कैंडिडेट्स की यहाँ पर भर्ती होगी, तो आप ज़रूर इसमें जाइएगा। बात करें अगर एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट जो है 18 साल से 22 साल के बीच रखी गई है। आपकी एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्क प्रोसेस की हम बात करें, तो आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद एक आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। याद रखिएगा, टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर आप पास हैं तो फिर आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी आपको पास होना ज़रूरी है। मंथली स्टाइपेंड जो आपको अभी दिया जाएगा वो दिया जाएगा 9,200 रुपया, जिसको 9,200 रुपया बोलते हैं। लगभग आपकी जो सैलरी है यहाँ पर 9,000 के करीब रहने वाली हैं। अदर बेनिफिट्स की हम बात करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर कैंटीन फ्री मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, अटेंडेंस अवार्ड मिल जाता है, अटेंडेंस अलाउंस जो होता है, इसके साथ ही आपको नाइट शिफ्ट का अलग से अलाउंस मिल जाता है, वन टाइम सीटिंग अलाउंस जो 3,000 रुपये हैं, और फेस्टिवल बोनस आपको ईयरली मिल जाता है। फेस्टिवल बोनस में आपको जो है आपकी जो सैलरी है, एक सैलरी पूरी दी जाएगी, यानी कि 9,200 रुपये आपको दिया जाएगा। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू है वो है 31/10/2020 को आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ पर होगा ये भी आप देख लीजिएगा, 31/10/2020 डेट को आप पूरा कम्प्लीटली याद रखिएगा। उसी दिन आपका जो है इंटरव्यू होगा और उसी दिन आपका टेस्ट होगा। याद रखिए, आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा, टेस्ट कहाँ पर होगा, उसकी हम बात करें अगर, तो दोस्तों आपका जो है गवर्नमेंट ITI मैनपुरी उत्तर प्रदेश, यानी कि याद रखिएगा UP की जो गवर्नमेंट ITI हैं जो है मैनपुरी में, वहाँ पर आपका कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है दिनांक 31/10/2020 को। तो आप इसमें जाना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी कंपनी आप लोगों के लिए कोई और हो नहीं सकती। दोस्तों एक नोट यहाँ पर लिखा है, वो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ITI के स्टूडेंट जो है दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। तो ये थी दोस्तों सैमसंग कंपनी में वैकेंसी की बात। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।